हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं हम राहुल गांधी का जो डेट ऑफ बर्थ है उसका न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस। तो 19 जून 1970 को इनका जन्म हुआ है। तो जो रूट नंबर है वो 1 है और टोटल नंबर जो है इनका 6, तो 1-6 कॉम्बिनेशन है, 6 वीनस का 1 सन का। तो अब डोमिनेट तो करेंगे ही, हमेशा लग्जरी एक्सट्रीम इनके पास है ही, वो सबको मालूम है। ठीक है, वीनस का नंबर इनके जो मूलांक है वो वीनस आया है 6। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखो तो एस्ट्रोलॉजी में तो 1-6 डिनाइल होता है मैरिज के लिए, बट न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखो तो 1-6 डिनाइल एक तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ पर है, क्योंकि वीनस 1 के साथ में है तो पॉलिटिकल गेन देगा और पॉलिटिकल सक्सेस देगा, वो सब ठीक है। और बट इसमें मेन पॉइंट ये है कि इनका जो मैरिज का कॉम्बिनेशन है वो न्यूमरोलॉजी में भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, डिनाइल हो रहा है। तो बस यही कह सकते हैं हम इनकी न्यूमरोलॉजी नंबर सिस्टम से। और 1-6 इज़ गुड फॉर कंपटीशन, ठीक है, तो कंपटीशन में सक्सेस मिलती रहेगी और पार्लियामेंट में बने रहेंगे। और इसके अलावा वीनस है तो फिर लग्जरी रहेगी हमेशा, वो तो वेल नोन है, सबको मालूम ही है। और यहाँ पर 1 है तो सन है मूल जो इनका नंबर है, तो वो भी जो है वो ठीक है, करियर के लिए बढ़िया है। और डोमिनेटिंग पोजीशन रहेगी इनकी, कभी भी ये ऐसा नहीं है कि लॉस में जाएं। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिकली बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे हम देख सकते हैं। एक अब दूसरा एग्जांपल सलमान खान का भी ले लीजिए, वही 1-6 है। तो 1-6 में क्या है, वो सब ठीक ठाक है, बस मैरिज नहीं है। तो 1-6 जो है वो डिनाइल होता है मैरिज के लिए, एस्ट्रोलॉजी में भी होता है और न्यूमरोलॉजी में भी होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऐसे ही आप ऑब्जर्व करते रहो डेट ऑफ बर्थ को, और कमेंट में आप पूछते रहो कोई अगर अच्छा एग्जाम्पल मिले, और सीखते रहो आप न्यूमरोलॉजी। और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करो, जल्दी ही आपके सामने फिर होंगे हम। थैंक यू।